हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक लॉजिक में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो सीरीज के अंदर हमने एक डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ये एकदम कंप्लीट बिगिनर प्रोजेक्ट था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखे जहाँ पर हमने स्क्रैच से समझाया है कैसे हमें डेटा एनालिसिस करनी है, क्या क्या हमारे स्टेप्स है, उन स्टेप्स को करने के लिए क्या क्या हमारी स्किल सेट होनी चाहिए, किस क्या हमारी अप्रोच रहेगी, ये सब हमने पहली वीडियोज में बता चुके हैं। प्लीज जाइए, उन्हें देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और हमें कॉमेंट सेक्शन ये कि उसमें आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या उसमें अभी भी मिसिंग है। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने कोई अपनी पाइथन ऐप बना ली है, आपके पाइथन ऐप का कंसेप्ट कुछ हो सकता है, आपकी जो आपने एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाई है, जरूरी हो पाइथन स्क्रिप्ट भी हो, वो आपकी कोई और स्क्रिप्ट भी हो सकती है, वो आपकी जावा पे भी हो सकती है, वो आपकी जावास्क्रिप्ट की भी हो सकती है, वो आपकी कोई भी अलग अलग लैंग्वेज का हो सकता है, इट डजंट मैटर, यू नो। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी स्क्रिप्ट है, वो किसी जगह पे डिप्लॉय हो जाए, आगे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, हम AWS भी कर सकते हैं, Azure भी कर सकते हैं, हम आपका क्लाउड गूगल क्लाउड भी कर सकते हैं, GCP। इसके बाद हमारे पास आता है हीरोको। हमने पहले वाली यूज नहीं करे क्योंकि ये सारे पेड है। ये वीडियो सीरीज कम्प्लीट बिगिनर है, एकदम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हम हीरोको पे करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल द स्टेप दैट आर रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय अ पाइथन स्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट ऑन हीरोको, दैट इज टोटली फ्री। और यहाँ पर मैं एक कस्टम क्रोन शेड्यूलर भी लगाने वाला हूँ। देखिए, हमने पोस्ट भी डाले हुए हैं। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ आवर इंस्टाग्राम हैंडल, देन प्लीज डू विजिट एट इंस्टाग्राम, डू फॉलो अवर, डू चेक आउट अवर लेटेस्ट पोस्ट, लाइक देम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Please support us. That is the thing that motivates us. Okay, so let's proceed with our project. हम क्या करेंगे? हमारा जो Python project है, हमारा जैसे मेरा Python project है, उसका मैंने ये अपना folder बनाया हुआ है। इसके अंदर आपकी files होंगी, बहुत सारी फाइल हो सकती है depending upon your project, but ये दो फाइल तो आपकी जरूर होंगी ही होंगी। एक तो आपकी स्क्रिप्ट फाइल, एक प्रोग फाइल। प्रोग फाइल क्या होती है? प्रोग फाइल के अंदर आप अपनी हीरोको ऐप को वर्कर बताते हो कि हाँ, मेरे को वर्कर की जरूरत है। वर्कर क्या होता है? वर्कर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपकी ऐप को प्रोवाइड कर देना कि भाई इसका जो काम है वो चलता रहना चाहिए, बंद नहीं पड़ना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ PHP के अंदर आपकी जितने भी जो आप डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो तीन सारी डिपेंडेंसीज पे बेस्ड है, तो इसके लिए आप रिक्वायरमेंट ऑफ PHP यूज करते हो। मैंने जितने भी स्टेप्स हैं कैसे डिप्लॉय करना है, ये सारे सारे GitHub स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। मैं आपको GitHub लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक GitHub का, तो आप उसे देख लीजिए। फटाफट आप स्टार्ट करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम। तो आपका जो कोड है, जो आपकी जो भी ऐप है, वो आपके पास होगी। अगर आप एक वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए एकदम स्पेशल होने वाली है। अब अपना कोड को सेटअप कीजिए। कोड को सेटअप करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी एक ऐप बनाएंगे। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एकदम नहीं बना रहे हम। क्या रखते हैं इसका नाम? हम रखते हैं टेस्ट हीरोको ऐप। ठीक है, मैंने इसका नाम ये रखा, क्रिएट न्यू ऐप। टेस्ट हीरोको ऐप तो अवेलेबल है नहीं, तो हम इसका नाम रख देते हैं टेस्ट COVID-19 हीरोको ऐप। देखते हैं ये अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल है, तो क्रिएट कर दीजिए। ये हमने क्रिएट कर दिया, ये हमारी आ चुकी है, इसमें चले जाइए आप। मैं इसके अंदर आ चुका हूँ डिप्लॉय। ये आपकी इंस्ट्रक्शन आपको यही यूज करनी है, बट मैंने इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप साइन अप करें फ्री अकाउंट में, क्रिएट करें आप अपनी ऐप, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है टेस्ट COVID-19 ऐप। अब हीरोको लॉग इन मारिए अपने उससे, कमांड लाइन से, आपके प्रोजेक्ट पे। पहले अपने प्रोजेक्ट पे जाइए, मेरा प्रोजेक्ट था, मैं आ गया, मैंने गिट बैश यहाँ पे खोल लिया मेरा, मुझे मेरी बैश स्क्रिप्ट मिल जाएगी। क्या करेंगे इधर, गिट इनिट मारेंगे। गिट इनिट मार दिया है, यहाँ पे मेरा गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। इसको मारने के बाद हमें यहाँ जाना है, इसको करना है कॉपी। गिट रिमोट सेट करना है कि मतलब ये जो मेरा फोल्डर है इसका रिमोट सेट हो जाए मेरे हीरोको के साथ, मेरे प्रोजेक्ट के साथ। अब स्पेस देके ऐप का नाम, ऐप का नाम क्या? टेस्ट COVID-19 हीरोको। मेरी ऐप का नाम है ये,
इसके बाद ऐप वो लिख देते हैं, काफी रहेगा। देखते हैं, गेट रिमोट भी मेरा सेटअप हो गया है। ठीक है, मेरा गेट रिमोट सेटअप हो गया। मैं अगर आप आर्किटेक्चर का थोड़ा दे दूं कि ये जो मेरी पूरी ऐप है उसको आप ये समझिए, पूरा हीरोको का आर्किटेक्चर है कि ये मेरी ऐप है। यहाँ पे देख सकते हैं हीरोको ऐप। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ आपको और अच्छे से दिखाने के लिए, तो ये लीजिए, ये मेरी जो ग्रीन के अंदर है, लाइट ग्रीन में, ये मेरी हीरोको की ऐप है। अब इसके अंदर मेरी पाइथन स्क्रिप्ट है जो मैंने अभी बनाई है, आपको दिखाई थी। ये क्या है कि हम किसी, अब जब आप वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो आप किसी वेबसाइट के ऊपर डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं। इन अवर केस अवर वेबसाइट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, जो कि यहाँ पर मैंने खोली हुई है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये सारा डेटा उठा के ला रहे हैं, इन सारे डेटा को हम स्टोर करा रहे हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। और इस केस के अंदर हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है, एक्सेल फाइल्स। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट का डेटा उठा के ला रहे हैं और उनको एक्सेल फाइल्स में स्टोर करा रहे हैं। बस सीधा सा काम ये। और यहाँ पर हमने शेड्यूलर लगाया हुआ है कि डेली हमारी पाइथन स्क्रिप्ट चलेगी बिना रुके। मैं आपको दिखाऊं हमारा शेड्यूलर कहाँ है। ये रहा हमारा शेड्यूलर कि डेली चलेगी, हर मिनट चलेगी। शेड्यूल डॉट एवरी वन मिनट टू अपडेटर। अपडेटर मेरा फंक्शन का नाम है, अगर आपको दिखाऊं तो दैट इज माय अपडेटर। ये मेरा फंक्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है सारे सारे काम कराने के लिए स्क्रिप्ट का। ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा ये फंक्शन काम कर रहा है, तो आप प्लीज उन्हें देखिए। कुछ जो आपको समझ नहीं आता कॉमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लिए फिर आगे वाले स्टेप्स में चलते हैं। हमने गेट कर दिया था, अब हमने क्या करना है, गेट ऐड फाइल्स, फाइल्स भी ऐड कर दी है। गेट ऐड करने के बाद अब हम कमिट करेंगे कि हमारी क्या क्या फाइल्स हैं, उनको कमिट कर देते हैं हम। हीरोको ऐप देखिए यहाँ बता रहा है क्रिएट मोड आ चुका है, तो अब क्या करेंगे हम, गेट पुश हीरोको मास्टर। ये क्या करेगा, ये डिप्लॉय करेगा आपके जितने भी उस पे जाएगा और डिप्लॉय करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ये इधर जितनी भी इसकी लाइब्रेरीज थी जरूरत थी उनको इंस्टॉल करेगा रिमोट पे आपकी ऐप पे, किसके बेसिस पे, रिक्वायरमेंट टेक्स्ट फाइल के बेसिस पे। देखिए जो जो कर रहा है इंस्टॉल, ये सब रिक्वायरमेंट टेक्स्ट फाइल के साथ अकॉर्डिंग कर रहा है। मैं आपको दिखाऊं, देखो आपके ये हमारा कर रहा था requirement.txt, तो यहाँ पर ये रही installing requirement with pip इधर। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारी सारी फाइलें रिमोटली इस पे इंस्टॉल कर रहे हमारी प्रोजेक्ट पे, हमारी हीरोको ऐप पे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या चल रहा है इधर। हमारी ये है, हम जा सकते हैं, हम लोग देखेंगे पहले से, होने दो हो रहा है। टैक्सी के इतना टाइम लगता है इसे होने में, थोड़ा टाइम लगता ही है, चलिए ठीक है। अब हम अपनी जो हमारी हीरोको का ऐप है इसको स्केल भी कर देते हैं, स्केल टू वन। ये हमारा स्केल आ गया, स्केल पे गए, हमने इसे स्केल किया स्केल टू वन। स्केल क्या है कि यहाँ पर इसको एक वर्कर मिल जाएगा, हमारी ऐप को वर्कर असाइन कर रहे हैं डायनोस का, कि ये नाउ रनिंग वर्कर साइन हो गया और हमेशा वन पे रन करता रहेगा। अब हम चाहते हैं लॉग देखते हैं। वर्कर क्या होता है कि आपकी जो आपकी स्क्रिप्ट है उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, बट आपके एग्जीक्यूट होने के लिए उसको रिसोर्स चाहिए तो कभी रुकने नहीं चाहिए। मतलब आप चाहते हो कि आपकी स्क्रिप्ट हमेशा चलती रहे और कभी रुके ना, तो उस केस में क्या करते हो, उसको वर्कर असाइन करते हो। और हम वर्कर इस तरीके से असाइन करते हैं, हीरोको पीएस कोलोन स्केल वर्कर इज इक्वल टू वन, ये आपको डाल देना है कमांड लाइन पे। और बाद में आपको बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर गेट इनिट किया, बट आपको गेट इनिट नहीं करना, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, हीरो को लॉग इन करना है। मैंने पहले कर रखा है इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बट आपको करना पड़ेगा। वह जब आप हीरो को लॉग इन करोगे तो वो आपके क्रोम ड्राइवर का विंडो में पॉपअप कर देगा, बस उस पर क्लिक कर देना, लॉग इन कर देगा वो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। देखिए अभी एरर आएगी मेरे को, यहाँ पर मैंने पाइथन जो मेरी स्क्रिप्ट है वो चल रही है अभी,
एवरी 1 मिनट, तो मतलब 1 मिनट का तो वेट करना पड़ेगा कि उसे चलने के लिए। अभी चलेगी, दो चल गई, मेरी स्क्रिप्ट चल गई है, बट जो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है वो 1 मिनट पे हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसने बोल दिया कि भैया जो आपका ये है क्रोम ड्राइवर का पाथ है ये मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। क्रोम ड्राइवर ये उससे रिलेटेड है कि फाइल नेम, सॉरी, इसे मिल नहीं रही है। तो फटाफट क्या करेंगे, हमने इसको ये नहीं बताया अभी तक कि हमारा जो क्रोम ड्राइवर वो कहाँ पड़ा है, और हमें अपनी ऐप को बताना तो पड़ेगा ना, और इसको इंस्टॉल भी करके देना पड़ेगा क्योंकि वेब स्क्रैपिंग अभी क्रोम पे चलती है। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्ड पैक सेंड करेंगे, जाएंगे ओपनिंग एड्रेस, इधर गए एड बिल्ड पैक, इधर गए पेस्ट एड, एड बिल्ड पैक, इधर गए क्रोम ड्राइवर का भी कर दिया हमने, गूगल क्रोम का भी कर दिया, और हम यहाँ पर हमारी की से बता देते हैं एड्रेस क्या होने वाला है क्रोम ड्राइवर के पास। क्रोम ड्राइवर क्या है ये आपको नहीं पता, तो हमारी पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। सिर्फ ड्राइवर है ताकि क्रोम का सिलेनियम को वेब स्क्रैपिंग करने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, दैट इज क्रोम ड्राइवर। तो उसका जो पाथ है हमारी स्पेशल स्क्रिप्ट को पता होना चाहिए कि क्रोम ड्राइवर है कहाँ, तभी तो उसका हेल्प ले पाएगा वो। ये गए अब गूगल क्रोम पे, हम अपनी उसका पाथ दे रहे हैं गूगल क्रोम का, हमारी ऐप में कहाँ पड़े हुए, हमारे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा हमारा वर्जन पुश करना पड़ेगा तभी ये हमारे डिप्लॉय होंगे। हम अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे में कोई चेंजेस है नहीं। गूगल क्रोम गेट पुश गूगल मास्टर, ऐसे कुछ पुश नहीं करा क्योंकि हमारा सब कुछ सेटअप था। तो हम क्या करते हैं ताकि ये हमारा पुश कर दे, हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, एक सेकेंड, जाएंगे अब तो होएगा पुश डॉट हमारी देख जाते हैं गेट स्टेटस गेट परमिट हाइफन एम फाइल बिल्कुल शुरू को मास्टर। अब कर रहे बिल्डिंग इंस्टॉल, हमें ये करना था, इसका कुछ डायरेक्ट तरीका भी होता होगा बट मैं इस तरह ही करता हूँ, जब मुझे चाहिए होता है मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, कर देता है क्योंकि पहले रिसोर्स को बिल्ड करेगा जितने भी हैं वो चेंजेस रिक्वायरमेंट चेंज थे क्योंकि सारे सारे चीजें पहले से हो रखे थे। जा रहा है इंस्टॉल कर रहा है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं आपको ये थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने आपके लिए पूरा बढ़िया बनाया है कि आपकी पाइथन स्क्रिप्ट है, पाइथन की वेब ऐप है, ये रिक्वेस्ट करेगी, रिक्वेस्ट करके ये वेबसाइट पे आएगी, यहाँ से डेटा उठाएगी, डेटा लेके वापस आएगी, स्क्रिप्ट इस पे हमारा जो वेब स्क्रैपिंग का पूरा पूरा कंसेप्ट चलेगा उसको कन्वर्ट करेगा इसमें एक्सेल फाइल्स के अंदर, और इन एक्सेल फाइल्स की मदद से ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हमारा कोई भी डेटा हो सकता है जिसकी हमें जरूरत है। शेड्यूलर जब जब आप उसे चलाना चाहते हो, ये हो चुका है, इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा टाइम और लगेगा, अगर वीडियो लंबी हो गई है ना, क्या लगता है इंस्टॉलिंग गूगल क्रोम, क्योंकि मैंने क्रोम का पाथ दे दिए थे बिल्ड पैक्स के अंदर, तो क्रोम भी इंस्टॉल कर रहा भी है, हमें यही तो चाहिए था। मैं यही तो चाहिए था, अगर मैं आपको दिखाऊं मेरी ये वेब ऐप अभी कहाँ पर है, कैसी दिखती है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम जाके चेक भी कर सकते हैं, हम इधर जाएंगे रन कंसोल करेंगे, यहाँ लिखेंगे बैश, बैश करके रन करेंगे,
रन करने के बाद यहाँ पर हमारे हमारे कंसोल मिल जाएगा हीरो को के ऊपर। एलएस मारते हैं, देखिए ये हमारी फाइल है। चल मैं यहाँ होम में आ गया हूँ, रूट में आ गया था। रूट में आने के बाद ये हमारा पूरा, ये तो आपको जितनी भी डायरेक्टरीज दिख रही है ये सारी सारी आपकी हीरो की डायरेक्टरीज है। बाय डिफॉल्ट जो ऐप डायरेक्टरी है इसकी, सीडी ऐप डायरेक्टरी है। हम ऐप में आ गए, सीडी ऐप में जो हम है यहाँ पर देखो, ये तुम्हारी फाइल थी हमें चाहिए थी। हम इस वाली फाइल को रन करते हैं। हर बार जो फाइल दिख रही है covid-19script.py, अब हमारा हो गया है। अब हम चेक करते हैं हीरो को, लॉग चेक करें जरा क्या स्क्रिप्ट चली या नहीं चली। हर बार वर्जन भी अपडेट कर देता है जब जब चलता है। देखिए ये बार स्क्रिप्ट चली तो है, स्क्रिप्ट चल गई है। हीरो आपकी पुश हो चुकी है जो आपकी स्क्रिप्ट थी, आपके ये भी आपके ड्राइवर भी ऐड हो चुके हैं, हमने उसको पाथ भी बता दिया है, तो स्क्रिप्ट अपेयर हमारी चलनी चाहिए। जरूरी नहीं है वैसे आप वेब स्क्रैपिंग कर रहे हो, आप कुछ भी अपना काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। देखो सिलेनियम क्रोम ड्राइव सेट टू लॉन्च आ गया है, देखिए लोडिंग इज कम्प्लीट। स्क्रिप्ट लोडिंग है 10 days, आपको डायरेक्टरी थी एक्सेल फाइल्स की डायरेक्टरी से मिले नहीं, तो मैंने इसने अपनी डायरेक्टरी सो क्रिएटिंग द वन जिसने एक्सेल की बनाई और इसने यहाँ पर सारी सारी बनाता गया फाइल लोड फाउंड क्रिएटिंग वन। मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है सो बिल्कुल पता चल सके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि कहाँ पर मेरी एक्सेल फाइल्स में सारी सारी मेरी फाइलें आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।